बनारस शहर की सड़कों पर लंबे समय से जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। सड़कों की हालत लंबे समय से खराब है। बीते 3 सालों में एक बार भी सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। ऐसे में लोग लाचार व्यवस्था और जिम्मेदार अफसरों और जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। बारिश से सड़क पर बने गड्ढे में पानी भर जाने से यातायात करने वाले वाहन, मोटरसाइकिल चालकों के साथ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहनों के आवागमन से गंदा पानी व कीचड़ राहगीरों पर उड़ता है। भंडारा एक जिला भी होने के बाद रोड का यह हाल होने से रहवासियों का सब्र टूट रहा है। जवाबदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि ठीक से जवाब नहीं दे पाते। देश को आजाद हुए 71 सालों का समय बीत चुका है। इस दौरान काफी उपलब्धियों को हासिल कर लिया गया है। यहाँ तक कि सड़क बनाने की कई नई तकनीक भी डेवलप हो चुकी है। कई नई मशीनों का भी आविष्कार हो चुका है। दूसरी तरफ सच ये है कि इसी दौरान लाखों लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है। देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने में 200 साल लगे थे, लेकिन सड़कों की हालत देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या गड्ढों से आज़ादी मिलने में भी इतना ही समय लगेगा। आखिर क्यों नहीं एक मुश्त रकम खर्च कर बेहतर प्लान के साथ अच्छी सड़कें बना दी जाए, जिससे कम से कम राह चलते लोग मौत का शिकार ना हो। उधर दूसरी ओर यातायात के नए कठोर नियम लागू हो गए हैं और हेलमेट सख्ती की तरफ कड़ा रूप देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे में किसी भी गड्ढे में गिरकर मौत होती है तो क्या इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा? क्या इसका हर्जाना प्रशासन देगा? एक और बड़े पैमाने पर हाईवे निर्माण हो रहे हैं, पर शहर के अंदर की सड़कों पर अब तक क्या प्रशासन आंखों में पट्टी लगाए बैठा है? बरसात का मौसम आने से पहले तो नगर निगम या BWD सड़कों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता तो नहीं बरतते हैं, लेकिन पहली बारिश के बाद ही बदहाल सड़कों पर तात्कालिक राहत के नाम पर रोडा और मिट्टी गिरा दिया जाता है। तारकोल नहीं होने के कारण पत्थर तो वैसे ही छिटक जाते हैं, जबकि मिट्टी बारिश में बह जाती है। बरसात के मौसम में 3 महीने के दौरान ही कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर पैचअप के नाम पर 3 से 4 बार मिट्टी और पत्थर गिरा दिया जाता है। कब मिलेगी गड्ढों से आजादी?